मोटो एज 50 प्रो इंडिया में 3 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन लॉन्च से पहले बहुत ही निराशजनक खबर आई है जो कि आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कुछ डिटेल सामने आए हैं वो मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं वो चीज़ बताऊंगा। बताया गया है कि मेन कैमरा जो होगा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की बात करें तो 3 साल का अपडेट देखने को मिलेगा। ये एंड्रॉयड 14 पे आएगा, तो इसका मतलब 15, 16, 17 तक का अपडेट मिल जाएगा। खास बात यह है कि 144Hz रिफ्रेश का डिस्प्ले होने वाला है, 1.5K रिजोल्यूशन वाला POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.7 इंच। 125W का वायर चार्जर देखने को मिलेगा, बॉक्स में आपको सिर्फ 68W का एडेप्टर देखने को मिलेगा, 125W का नहीं मिलेगा, और 50W का वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा। P68 रेटिंग के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कौन सा प्रोसेसर इसमें दिया जाएगा। ये प्रो वर्जन है मोटोरोला का, तो इसमें सबका यही अनुमान था कि सबसे अच्छा चिपसेट दिया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसमें जो बताया गया कंपनी की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट पे आएगा, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ये चिपसेट पे अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो कितना प्राइस रखा जाएगा, 30,000 के आसपास रखा जाए। इससे ज़्यादा प्राइस इस स्मार्टफोन का नहीं होने वाला है, और इससे ज़्यादा अगर प्राइस होता है तो ये बेकार स्मार्टफोन हो जाएगा। तो चिपसेट में तो बहुत भारी कटौती कर ली है मोटोरोला। खैर, और अपडेट आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। निराशजनक बात यही थी कि इसमें जो चिपसेट का अनुमान लगाया गया था वो चिपसेट नहीं दिया जाएगा। आपका क्या कहना है जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।